मैं डॉक्टर जाकिर, ईएनटी सर्जन। इस वीडियो में आपको मैं थायराइड कैंसर के बारे में बताऊंगा। ये थायराइड कैंसर जो है डिफरेंट टाइप्स का होता है, रकम रकम में होता है। उसमें सबसे आम वाला, कॉमन वाला, वो है पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा। तो इतना डिटेल में बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये पांच भाग पे, पांच पार्ट्स में लिया है। तो पार्ट वन में जो है, इसमें हम इंट्रोडक्शन के बाद इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये कैंसर क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है और पेशेंट क्या कंप्लेंट से आता है, डॉक्टर एग्जामिन करने के टाइम में क्या क्या फाइंडिंग मिलेगा। सेकेंड पार्ट में इसका इन्वेस्टिगेशन के बारे में देखेंगे और थर्ड पार्ट पे इसका ट्रीटमेंट, जो पहले सर्जरी करते हैं। चारवीं भाग में हम ऑपरेशन के बाद अगर जो कुछ थायराइड टिश्यू गले में बाकी हो गया उसको कैसा निकालेंगे, फर्स्ट उसको डायग्नोस करके कितना है देखना पड़ेगा, आयोडीन स्किनडीग्राफी करके, और उसका निकालने के लिए रेडियो एब्लेशन बोलते हैं वो करना पड़ेगा। और लास्ट भाग, पार्ट फाइव वाला, पांचवें भाग में हम सपोज ये कैंसर पांच साल, बहुत साल के बाद दोबारा आ गया तो उसको कैसा डायग्नोस करना है और कैसा मैनेज करना है। चलो हम ये पार्ट वन देखते हैं। तो ये कैंसर, पैपिलरी थायराइड कैंसर, ये बहुत कॉमन है थायराइड में और अभी आजकल बढ़ता भी आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, तो इसका दो तीन कारण है। एक ये बताते हैं कि शायद ये हेरिडिटरी है, फैमिली में किसी को है तो जस्ट नेक्स्ट जनरेशन को भी ये रहने का चांसेस है। दूसरा ये है कि ऑलरेडी पेशेंट को गॉइटर नहीं तो थायराइड एनलार्जमेंट है, तो ये बहुत साल से है ये पेशेंट को थायराइड एनलार्जमेंट, बड़ा है थायराइड, तो इस थायराइड एनलार्ज थायराइड के अंदर कैंसर बढ़ सकता है। तीसरा कारण ये है कि अगर जो बहुत साल के पहले ये सेम पेशेंट रेडिएशन एक्सपोजर ज्यादा है, यानी कि बहुत सारा सीटी स्कैन लेते बचपन में, ऐसा कुछ है तो ये कैंसर आने का पॉसिबिलिटी बढ़ा देता है। और ये जो पैपिलरी कार्सिनोमा थायराइड है, इसमें आयोडीन, ये जो आयोडीन लेवल जो है एरिया में नॉर्मल रहता है उसी एरिया में आता है, तो आयोडीन का डेफिशिएंसी नहीं होता इसमें, आयोडीन का वो जो एरिया में नॉर्मली रहता है। ये एक और कॉमन रीजंस। अभी ये पेशेंट क्या कंप्लेन लेके आएगा हमारे पास, ये ज्यादातर क्या होता है कि पेशेंट थायराइड स्वेलिंग बोल के, गले में स्वेलिंग बोल के आते हैं और जब अल्ट्रासाउंड और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसका टेस्ट निकाल के भेजेंगे, तब पता चलता है कि ये कैंसर पेशेंट है और इसमें पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा है। और नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये पेशेंट को किसी डॉक्टर ने पहले थायराइड के लिए ऑपरेशन किया है, ये सोच के कि ये नॉर्मल थायराइड है, ना थायराइड का प्रॉब्लम है, और जिस नॉर्मल थायराइड का प्रॉब्लम है फुल थायराइड नहीं निकालते, जिस पार्ट में प्रॉब्लम होता है उसी पार्ट पे निकालते, तो उस बायोप्सी में, टेस्ट में ये नतीजा निकलता है कि ये कैंसर, तो बाकी का थायराइड निकालने के लिए हमारे पास आ जाते, ऐसा भी हो सकता है। तो पेशेंट का मेन कंप्लेंट ये रहेगा कि थायराइड का ये एरिया में सूजन है। जो पेशेंट को जब हम एग्जामिन करते हैं तो इधर सूजन रहेगा थायराइड के एरिया में, वो छू के देखेंगे थोड़ा फर्म टू हार्ड रहेगा छूने में, और अगर ये पेशेंट थोड़ा लेट स्टेज पहुंचे तो यहां से स्प्रेड होके लेफ्ट में और राइट में, गले में, ये साइड में कुछ थोड़ा छोटा छोटा सूजन होने का चांसेस है, ऐसा पेशेंट प्रसन्न करते हैं। अभी आप इसका सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें मैं आपको इसका इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताऊं। नमस्ते।